नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए और फ्रेश वीडियो के एपिसोड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने घरों से छिपकलियों को बहुत ही आसानी से भगा सकते हैं। आपको YouTube पर बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जहां पर आपको बताया जाता है कि आप इन इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करके मिक्स करके आप स्प्रे करें तो आपके घरों की छिपकलियाँ भाग जाएगी। दोस्तों, ना जाने कैसे कैसे चीज़ों को मिक्स करवा के और लोग आपको बताते हैं कि आपको स्प्रे करना है, उसका बहुत ही बड़ा नुकसान है। सबसे पहला नुकसान कि आपके घरों की जो भी दीवारें हैं वो ख़राब हो सकती है। दूसरा, उस स्प्रे से कुछ इस टाइप का स्मेल निकलेगा जो कि आपके लिए सहन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको दो बहुत ही किफ़ायती तरीका बताने वाला हूँ। दोनों तरीकों में से किसी भी एक तरीका का इस्तेमाल करके आप अपने घरों से बहुत ही आसानी से छिपकलियों को भगा सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आगे, जानते हैं कि हमें इसमें कौन कौन से चीज़ों का इस्तेमाल करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहला आपको लेना है एक प्याज, और उस प्याज को आपको दो या चार टुकड़ों में काट लेना है। काटने के बाद से आप उसके अंदर एक धागा डाल लें सुई की मदद से, और उसके बाद से आप उसे धागे में बांधकर और टांग दें। आपको उस जगह पर उसे लटकाना है जहां पर सबसे ज़्यादा छिपकलियां आती है, और उस जगह पर अगर आप लटकाकर वैसे ही छोड़ देते हैं तो मात्र एक से दो दिन के बाद से वहां से छिपकलियां कभी नहीं आएंगी। चलिए जानते हैं दूसरा तरीका। अगर आपका ये पहला तरीका काम ना करे तब आपको दूसरे तरीके का इस्तेमाल करना होगा। उसके लिए आप क्या करें कि आप सबसे पहले फिनॉल ले लें, और उस फिनॉल को आप पानी में डाल करके फिर आपको दीवार से थोड़ा हट के फिर स्प्रे करना होगा, यानी कि एक फीट दूर से आपको स्प्रे करना होगा। आपको जहां पर भी ज़्यादा छिपकलियाँ है उस जगह पर सबसे पहले स्प्रे करना है, उसके बाद से आप अपने फर्श के ऊपर पूरा स्प्रे कर दें। स्प्रे करने से बहुत सारे फायदे होंगे, एक तो छिपकलियाँ नहीं आएंगी, दूसरा मच्छर भागेंगे, मधुमक्खियाँ भागेंगी, मक्खी भागेगी, किसी भी प्रकार की चींटी हो वो सब भाग जाएंगी, और आपका रूम बिल्कुल साफ सुथरा सा हो जाएगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही नए और इंटरेस्टेड जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।